नमस्कार दोस्तों, आज आप ये जानकर खुश होंगे कि हमारे फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स में जो पुराने चैनल थे वो आज वापस आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं राजी स्टूडियो टेक्स, और मैं आपको बताऊंगा वो सारे चैनल्स वापस सेट टॉप बॉक्स में कैसे एक्टिव, कैसे स्कैन किए जाते हैं, कैसे वापस उस चैनल को लाया जाता है। तो सबसे पहले आपको रिमोट में मेनू बटन दबाना है, उसके बाद में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाना है, उसमें ओके करना है। ओके करके आपको डिलीट कर देना है उसमें सारे के सारे। उसके बाद में आपको वापस टीवी चैनल्स में जाना है, उसमें जाके आपको 5 नंबर दबाना है, तो डिलीट ऑल के प्रोग्राम सारे चैनल डिलीट मार्क आ जाएंगे। उसके बाद में डिलीट कर देना है, उसके बाद में आपको रेडियो चैनल्स भी डिलीट कर देने हैं। ऐसे किए जाते हैं, अलग अलग सेट टॉप बॉक्स में अलग अलग तरीके से डिलीट किए जाते हैं। आप अपने अपने सेट टॉप बॉक्स में अलग अलग तरीके से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा ऑटो स्कैन में, जो सभी सेट टॉप बॉक्स में ऑटो स्कैन आता है उसमें जाना। पहले आप स्टैंडर्ड है जो LNB टाइप, उसको यूनिवर्सल कर देना, फिर बैक जाके आपको फ्री के ऊपर ओके कर देना, तो सारे चैनल स्कैन होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अभी सारे चैनल स्कैन हो रहे हैं, इसमें आपको सारे के सारे चैनल जो हमारे पुराने चैनल थे वो स्कैन होने शुरू हो जाएंगे, और हम देख पाएंगे सारे के सारे चैनल आज से फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स में एकदम फ्री। तो देखिए हमारे सारे पुराने चैनल, स्टार उत्सव है, जी अनमोल है, जी अनमोल सिनेमा है, सोनी पल है, रिश्ते है, वो सारे के सारे चैनल पहले कट हो चुके थे, जो कि हमारे सारे के सारे चैनल फेवरेट चैनल थे वो कट हो चुके थे। उसके बाद में अब हम वापस आपको दिखाएंगे वो सारे के सारे चैनल इस सेट टॉप बॉक्स में आज से शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब स्कैन होने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे चैनल स्कैन कैसे किए गए हैं, और सारे के सारे चैनल मैं अपने सेट टॉप बॉक्स में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सारे के सारे चैनल वापस आ चुके हैं। तो देखिए अभी स्कैन हो रहा है, 56% स्कैन हो गया है। इसके बाद में मैं आपको सारे के सारे चैनल एक एक चैनल चला कर बताऊँगा आपको। तो चलिए वीडियो को अभी आगे बढ़ने दीजिए, पूरा स्कैन होने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको सारे के सारे चैनल बताऊंगा। तब तक आप मेरे YouTube चैनल राज स्टूडियो टेक्स उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके मैसेज बॉक्स में कुछ भी लिख के दे दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे नए नए वीडियो ला कर दे सकूँ। तो चलिए अभी 76% हो गया है। उसके बाद में आपको देखो कितने चैनल्स हो गए हैं, 153 चैनल्स टीवी चैनल्स हो गए हैं, और रेडियो चैनल्स दोनों भी स्कैन होते हैं। तो चलिए अभी 91% हो गया है, 100% होना है अभी, 96% हुआ। ये देखिए 100% इसमें होने के बाद में हमारे को टोटल 154 चैनल्स मिले हैं। ये देखिए स्टार्ट ओवर आ गया, हमारे को ओके करके सेव कर देना, और फिर हम बैक आ जाएंगे वापस एकदम बाहर। बाहर आके हम टीवी चैनल्स में वापस जाएंगे और देखेंगे कौन से चैनल हमारे को मिले हैं। तो ये देखिए चैनल जी राजस्थान जो पहले ये आ रहा था, स्कैन हुआ है, मेन चैनल बोलते हैं जो आपके फेवरेट थे, जैसे कि स्टार उत्सव है, जी अनमोल है, वो चैनल मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए लिस्ट में हम चेक करते हैं, तो ये देखिए जी अनमोल 32 नंबर पे है। ये देखिए जी अनमोल चैनल चल रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको और भी चैनल बताऊँगा कौन कौन से चैनल चल रहे हैं। ये चैनल्स देखिए, ये देखिए स्टार उत्सव भी चल रहा है दोस्तों। तो देखिए आपके फेवरेट चैनल वापस आ चुके हैं, कैसे स्कैन किया वो मैंने आपको बताया। ये देखिए रिश्ते कलर्स रिश्ते, ये भी वापस आना शुरू हो गया, ये भी चल रहा है। और उसके बाद में ये देखिए 72 नंबर पे सोनी पल, ये भी आ रहा है, ये भी आपका पुराना फेवरेट, बहुत अच्छा चैनल है, इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। और ये देखिए जी एन मॉल सिनेमा, इसमें देखिए ये अभी मूवी चल रही है, और बहुत अच्छी अच्छी और नई वाली मूवी इसमें आती रहती है, ये भी चैनल बहुत अच्छा है। तो देखिए अभी देखा आपने के सारे चैनल हमारे पुराने चैनल वापस आने स्कैन हो गए हैं। तो अब आप आराम से अपना सेट टॉप बॉक्स ऑटो स्कैन करके अपने सारे के सारे चैनल्स वापस पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं अगला वीडियो भी और लेके आ रहा हूँ। जल्दी भी आपको दूसरे सेट टॉप बॉक्स में भी चैनल कैसे स्कैन किए जाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मैंने आपको सभी सेट टॉप बॉक्स में ऑटो स्कैन वापस करना है। थैंक यू।